साइबर सिटी गुरुग्राम में लुटेरों के हौसले बुलंद है और पुलिस पस्त है, क्योंकि बदमाश इतने बेखौफ हो चले हैं कि पुलिस थाने से चंद ही कदमों की दूरी पर भी वारदात को अंजाम देने से नहीं कतराते। बादशाहपुर कस्बे में दो हथियारबंद बदमाशों ने न्यू ममता स्वीट्स शॉप को निशाना बनाया और लूटपाट कर बड़ी ही आसानी से फरार हो गए। अपना नाम बता दीजिए। विनोद कुमार। विनोद जी, क्या घटना हुई थी आप बताइए जरा, कब की क्या घटना है, कैसे हुई थी? नहीं, दो लड़के उस पर स्कूटी पे आए और बाहर से गोलियां चलाते हुए आए अंदर तक और सीधा आके कैश लूट गए। तो यहाँ पे आकर मारपीट भी की उन्होंने? नहीं, रिवॉल्वर दिखाई हमारे साइड में, जिससे हम नीचे काउंटर की तरफ झुक गए और वो कैश लूट के भाग गए। कितना कैश ले गए वो? कैश तो गिना हुआ नहीं था जी, गिन के बता देंगे हिसाब लगा के। लगभग कितना होगा, अंदाजा रखा रहा हो? लगभग लाख रुपये के आसपास तो था जी। कितने लोग थे? दो लोग आए थे जी। आप तो कैसे, चेहरा उन्होंने ढका हुआ था या बिना चेहरा ढके? ओपन चेहरा था। किस चीज़ से आए थे? स्कूटी से आए थे, स्कूटी से जाते हुए देखे हम। मतलब पहले कभी देखा है यहाँ उनको? पहले कभी नहीं देखा। पुलिस कितनी देर बाद आ गई थी यहाँ? पुलिस 20 मिनट बाद, जबकि थाना बिल्कुल नज़दीक है। सामने पुलिस वाले खड़े रहे भी थे रोड पे, देखते रहे, बुलाने से भी नहीं पहुँचे। अपना नाम बता दीजिए। पवन कुमार। पवन जी, क्या हुआ था, आप उस समय कहाँ थे जब ये घटना हुई? कुछ नहीं भाई, मैं सेठ जी के साथ खड़ा होकर बातें कर रहा था, ऐसे ही बात चल रही थी। सेठ जी कहने के भाई पवन कैमरे ख़राब हैं दुकान के, और कोई कैमरे वाला जानकार है तो बुला दे। मैंने कहा जी ठीक है, सुबह बुला देता हूँ। मैंने फिर उसी टाइम पर कॉल करी उसको, उसने कॉल नहीं उठाई। बस इतनी देर में मैं यहाँ खड़ा था, इतनी देर में देख रहा हूँ बाहर गोलियाँ चली और वो आते ही लाओ पैसे निकालो करते हुए आए और सीधे काउंटर पर आ गए, गले में से पैसे निकाले और फरार हो गए। कितने लोग थे? दो लड़के थे। तो केवल स्कूटी पे थे या और भी कोई लोग? नहीं, हमने तो एक्टिवा पे जाते हुए देखे जी, वाइट कलर की एक्टिवा थी, पीछे गुजर लिखा हुआ था उस पर। नंबर नोट कर पाया उसका? नहीं, नंबर था ही नहीं ना जी, पीछे नंबर प्लेट पे गुजर लिखा हुआ था उसके। ठीक।